रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2019 में रेलवे बोर्ड ने अभी बहुत बड़ा बदलाव किया है, जिसकी वजह से लाखों अभ्यर्थियों में आक्रोश है। इन अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2019 की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए सबसे बेस्ट बुक अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप बुक को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जी दोस्तों, बहुत अच्छी बुक है और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको इसी बुक से देखने को मिलेंगे। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहां से आप बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आरआरबी ने अभी बहुत बड़ा बदलाव किया है, जिसकी वजह से लाखों अभ्यर्थियों में उतल पुतल की स्थिति बनी है। यह दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आई है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। दोस्तों रेलवे ने ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के एनटीपीसी के पदों के लिए आवेदन मंगाए थे और बहुत बड़ा चेंज हुआ है। आरक्षित कोटे के छात्रों का रिजल्ट अब अनारक्षित में नहीं होगा। देश के सभी 21 रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा एनटीपीसी में अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के 35,000 प्लस पदों के लिए आवेदन मंगाए गए थे। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नोटिस के अनुसार आरक्षित वर्ग के छात्रों का रिजल्ट उन्हीं के कोटे में निकाला जाएगा। नए आदेश के अनुसार अब रेलवे की परीक्षा में ओबीसी, एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के वैसे परीक्षार्थी जो प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिमिनरी टेस्ट में अगर अधिक अंक लाते हैं और दूसरे स्टेज की परीक्षा के लिए चयनित होते हैं, तो इनका रिजल्ट उसी कैटेगरी में होगा। जी दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट आई है। परीक्षार्थी अधिक अंक लाने के बावजूद भी अनारक्षित श्रेणी यानी यूआर में चयनित नहीं किए जाएंगे। इससे छात्रों में काफ़ी आक्रोश है और नए नियम से 10% अलग से अनारक्षित श्रेणी के परीक्षार्थियों की सीटें तय की गई है। इस बार रेलवे की ओर से 35,000 से अधिक पदों के लिए आवेदन मांगा जा रहा है और दोस्तों इसके लिए 1,60,00,000 अभ्यर्थियों ने अप्लाई भी किया है। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आई है, जैसा कि आप देख सकते हो। रेलवे बोर्ड के नए फैसले से छात्रों में उथल पुथल की स्थिति बनी है और 12 रेलवे भर्ती बोर्ड नए तरीके से करेंगे अभ्यर्थियों की बहाली। मेधावी छात्रों को होगी काफी परेशानी। जी दोस्तों, इन अभ्यर्थियों का कहना यह है कि निकाली गई वैकेंसी के अनुसार सबसे अधिक पदों की संख्या अनारक्षित श्रेणी यानी यूआर में होती है, अन्य श्रेणियों में पदों की संख्या कम है। इसका खामियाजा हर ग्रुप के छात्रों को उठाना पड़ेगा। और दोस्तों इधर हम बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी फर्स्ट एग्जाम डेट के बारे में। तो 27 जून से सीबीटी परीक्षा संभावित है और इसके लिए ई एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि के 4 दिन पहले उपलब्ध होंगे। एग्जाम सिटी इंटरमिशन परीक्षा के 10 दिन पहले आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक जारी करके सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाएगा। जी दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट आई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको चेक करें, जहाँ से आप विस्तृत नोटिफिकेशन देख सकते हैं। साथ ही साथ आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर्स के शॉर्ट पेपर के बुक की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।